सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक के लिए कोर्स कंप्लीट की सीरीज एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। अगर आप भी अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुँचेगा सबसे पहले। और आप तक पहुंचने पर यह वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे वह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन प्रश्नों की सहायता से आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो अगर आप भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुँचेगी सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अम्ल एवं क्षार में अंतर को जानेंगे। आज के इस वीडियो में अम्ल एवं क्षार में अंतर को आपको ऐसे बताया जाएगा कि आपको इस वीडियो को देखने के पश्चात अम्ल एवं क्षार के अंतर को कभी भी वापस देखना नहीं पड़ेगा। आपको एक ही वीडियो में अम्ल एवं क्षार के ऐसे याद कराया जाएगा जिससे आप कभी भी अम्ल एवं क्षार में अंतर को नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अम्ल एवं क्षार में कैसे अंतर होते हैं। तो अम्ल एवं क्षार में जो पहला अंतर होता है यह होता है, जो अम्ल होते हैं यह स्वाद में खट्टे होते हैं। अपन स्वाद की बात कर रहे हैं कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं यह स्वाद में कसेले होते हैं। जो क्षार होते हैं यह स्वाद में कसेले होते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि आंवला, जैसे कि हम देखते हैं आंवला, आंवला से क्या आता है, आ से अम्ल आता है और आ से आंवला आता है। तो आ से आप अम्ल याद रखिए और आंवला क्या होता है, खट्टा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आप आंवले से स्टार्ट कीजिए, आंवला का आ से आप स्टार्ट कीजिए अम्ल को, और आंवला क्या होता है, खट्टा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कसेले होते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अम्ल को लिख देते हैं अम्ल स्वाद में कसेले होते हैं और क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आपको इससे याद रखना है, आंवले से, आंवले से आपको क्या याद रखना है, आ, आंवले में सर्वप्रथम क्या आता है, आ, तो अम्ल, और आंवला क्या होता है, खट्टा। तो आंवले से आप याद रखिए कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और आपको वैसे ही याद रहेगा कि क्षार स्वाद में कसेले होते हैं। जब अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो क्षार स्वाद में कसेले होते हैं। आप और भी उदाहरण को देख सकते हैं, जैसे कि जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, अम्लीय पदार्थ कौन कौन से, नींबू है, इमली है, टमाटर है, यह अम्लीय पदार्थ है। और जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, आप यहाँ पर देखिए, क्षारीय पदार्थ कौन कौन से, साबुन और सोडा, अर्थात धोने का सोडा और साबुन जो होते हैं ये क्षारीय पदार्थ होते हैं, और नींबू, इमली, टमाटर यह अम्लीय पदार्थ होते हैं। तो आपको आंवले से याद रखना है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आपका यह पहला अंतर कंप्लीट हो जाता है। चलिए दूसरे अंतर को देखते हैं। दूसरा अंतर आपका आता है लिटमस पेपर वाला। लिटमस पेपर वाले में क्या होता है, देखिए आप, लिटमस पेपर में आपका होता है जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अर्थात अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं और वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो इसमें भी क्या क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अम्ल को लिख देते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और क्षार में लिखते हैं नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अर्थात इसका उल्टा कर देते हैं। तो इससे आपका यह अंतर गलत हो जाता है। तो आप इसकी ट्रिक देखिए, आपको कैसे याद रखना है, अनिल, जैसे कि किसी का नाम होता है अनिल, आपने बार बार सुना होगा अनिल अनिल, तो अनिल नाम से आप याद रखिए। कैसे, तो आ से होता है आपका अम्ल, ना से होता है नीला, और ला से होता है लाल। अम्ल लाल लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आ से आप अम्ल याद रखिए, ना से आप नीला याद रखिए, और
ला से आप लाल अर्थात अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आपको अनिल से याद रखना है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, जैसे कि आप एक शब्द याद रखना छलनी, जिससे आप चाय भी छानते हैं, तो छलनी छलनी से आप क्या याद रखेंगे, क्षार में सबसे पहला जो आता है वह आता है आपका छत्रपति का, जिससे आता है क्षार। क्षार पहले शब्द से आपको याद रखना है क्षार, फिर बीच वाला जो शब्द जो अक्षर है आपका वो है ला, ला से आपका आता है लाल, और नी से आपका आता है नीला। तो क्षार नीले लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं, अनिल से आप याद रखना है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो छलनी से आपको क्षार को याद रखना है, और अनिल से आपको अम्ल को याद रखना है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं। चलिए, दो अंतर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और आप इंटरनेट की सहायता से इन अंतरों को याद रखना, कभी भी आपके यह अंतर गलत नहीं होंगे। तो पीएच मान वाला देखेंगे अपन, पीएच मान वाला अंतर, जो अगला अंतर आपका आता है पीएच मान वाला। पीएच मान से क्या होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो आप देखिए पीएच स्केल भी मैंने आपके लिए यहाँ पर व्यवस्थित की है। देखिए पीएच स्केल में भी आपको बताया जा रहा है कि अम्लों का जो पीएच मान होता है, अम्लों का पीएच मान 7 से 0 तक होता है। 7 से 0 तक आपका अम्लों का पीएच मान होता है, वह क्षारों का पीएच मान आपसे 7 से 14 तक होता है। 7 से 14 तक आपका क्षार का पीएच मान होता है, और 0 से 7 तक आपका जो एसिड होते हैं, एसिड अर्थात अम्ल का पीएच मान होता है। जो 7 होता है, 7 उदासीन पीएच मान है, जिसका भी पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, तो आप इसमें देखिए अम्ल, जो अम्ल होते हैं यहाँ पर देखिए, अम्ल जो होते हैं यह वर्णमाला में पहले आते हैं। तो अम्ल क्या है, आ अनार का पहले आते हैं वर्णमाला में, और छ छत्रपति का लास्ट ही लास्ट में आता है। तो आपको याद रखना है कि जो अम्ल होते हैं इनका पीएच मान पहले के अर्थात 1 से 7 तक के होते हैं, और छत्रपति का जो होता है ये बाद में आता है वर्णमाला में, बाद में आता है। तो आपको बताना है कि 7 से अधिक तक बाद वाले अंक का पीएच मान होता है, और इसमें अनार का जो होता है यह पहले आ जाता है, अनार का जो पहले आ जाता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 से पहले वाले होते हैं, और ये जो बाद में आता है छत्रपति का बाद में आता है, तो इससे 7 से बाद वाला का पीएच मान होता है। तो अम्लों का पीएच मान 7 से कम, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आपको इससे याद रखना है कैसे, तो अम्ल जो अनार है, अनार पहले आता है, अम्ल में जो लिखा है अनार का, तो अनार का पहले आ जाता है, तो 7 से पहले वाला, और छत्रपति का जो है बाद में आता है, तो 7 से बाद वाले अंकों का पीएच मान होता है। तो 7 से अधिक और 7 से कम होता है। तो चलिए अगले अंतर को देखते हैं, अपन ने पीएच मान वाले अंतर को देख लिया, आप इस पर भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके लिए सेट किया है, ये पीएच स्केल है। आपने पीएच स्केल नहीं देखी हो तो इसको देख लीजिए। पीएच स्केल में आपको बताया जाता है कि कौन सा, आप पीएच स्केल को भी मैं आपको समझा देता हूँ। पीएच स्केल में क्या होता है, जो अम्ल होते हैं अम्लों की प्रबलता इधर की ओर बढ़ती है, अम्ल जो होते हैं इधर की ओर बढ़ती है, और क्षारों की प्रबलता इधर की ओर बढ़ती है। तो आपको पीएच स्केल को समझना है तो कैसे समझेंगे, जो अम्ल होते हैं, जैसे कि किसी पदार्थ का पीएच मान 2 है, पीएच मान क्या है 2 है, तो वह प्रबल अम्लीय होगा, और अगर किसी जो अम्लीय पदार्थ है उसका पीएच मान 6 है तो वह दुर्बल अम्लीय पदार्थ होगा। प्रबल अम्लीय पदार्थ कौन सा होगा, जिसका पीएच मान 2 है, और जिसका पीएच मान 6 है वह दुर्बल अम्लीय पदार्थ होगा। आप इधर देखिए तो आपका इधर उल्टा होगा, तो इधर किधर जाना है, आपको 8 से 14 की ओर जाना है। तो इधर कैसे होगा, जिसका पीएच मान 8 होगा वह प्रबल क्षारीय होगा, जिसका पीएच मान 8 होगा वह प्रबल क्षारीय, और जिसका पीएच मान 13 होगा वह दुर्बल क्षारीय होगा, क्योंकि इधर क्षारीयता घटती है और इधर की ओर क्षारीयता बढ़ती है, इधर की ओर जाना होता है बढ़ती है। और अम्लों में उल्टा होता है, जिसका पीएच मान 6 वह दुर्बल होगा, और जिसका पीएच मान 2 है वह प्रबल होगा, तो आपको इधर जाना होगा। तो चलिए अगले अंतर को देखते हैं, पीएच स्केल को भी आपको मैंने इसी वीडियो में समझा दिया, तो चलिए अगले आंसर को उत्तर को देखते हैं। जो अगला अंतर आपको दिया गया है वह कुछ इस प्रकार, धातुओं से क्रिया, जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं धातुओं से क्रिया करते हैं या नहीं। तो अम्ल
धातुओं से क्रिया करते हैं और क्षार धातुओं से क्रिया नहीं करते। सामान्यता जो क्षार होते हैं ये धातुओं से क्रिया नहीं करते, जो सामान्यता अम्ल होते हैं सभी अम्ल होते हैं ये धातुओं से क्रिया करते हैं। तो आपको पता होगा जब अम्ल के साथ अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो आपको प्रयोगशाला में भी बताया जाता होगा कि अम्ल में जब हम किसी धातु के टुकड़े को पटकते हैं तो वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, अर्थात अम्ल जो होते हैं धातुओं से क्रिया करते हैं, जो क्षार होते हैं ये धातुओं से क्रिया नहीं करते। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, जब हम प्रयोगशाला में जाते हैं तो वहाँ हमको बताया जाता है कि जब अम्ल में किसी धातु को पटका जाता है, जैसे धातु कोई सी भी हो सकती है, कॉपर हो सकती है, आपकी आयरन हो सकती है, इन धातुओं को जब उसमें परक नली में अम्ल लेकर धातुओं को पटका जाता है तो ऊष्मा के साथ जो है क्रिया होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि धातु जो होती है ये अम्लों से क्रिया करती है और क्षारों से क्रिया नहीं करती है। तो जल में विलय वाला देख लिया आप। अगला अंतर जो है आपका जल में विलय, जो अम्ल एवं क्षार है यह जल में विलय होते हैं तो क्या होता है, जो अगला अंतर है आपको जल में विलय के बारे में बताया गया है। तो अम्ल जल में विलय होकर H प्लस आयन देते हैं, अर्थात H प्लस आयन देते हैं, जो जल में अम्ल होते हैं यह जल में विलय होकर H प्लस आयन देते हैं और ये OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, जो अम्ल होते हैं यह H प्लस आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं जल में विलय होने के पश्चात OH माइनस आयन देते हैं। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, जो अम्ल होते हैं ये प्लस में जाते हैं, अम्ल जो होते हैं प्लस में जाते हैं तो आपको H प्लस आयन देते हैं जल में विलय होने के पश्चात, जो क्षार होते हैं माइनस में जाते हैं तो OH माइनस आयन जल में विलय होने के पश्चात देते हैं। तो चलिए आज की यह वीडियो में आपको बताया गया है कि कैसे आप अम्ल एवं क्षार के जो अंतर है उनको याद रख सकते हैं। इसमें आपको कुछ ट्रिक भी बताई गई है और कुछ आपको समझाया भी गया है। तो आपको इस वीडियो को देखने के पश्चात यह अवश्य समझ में आ गया होगा कि अम्ल एवं क्षार के जो अंतर है इसको कैसे याद करना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत